हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब आपके घर में नई किलकारी गूंजती है तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन जब तक बच्चा नहीं बोलता है तब तक पेरेंट्स के लिए ये मुसीबत होती है कि आखिर बच्चे को किस समय किस चीज की जरूरत है। हालांकि 12 महीने तक तो बच्चा स्तनपान करता है, लेकिन जब वह 1 साल का हो जाता है तो उसे पौष्टिक आहार देने की सलाह दी जाती है। ऐसे में माँ के लिए ये जानना काफी जरूरी होता है कि आखिर बच्चे को पौष्टिक आहार में क्या चीजें खिलानी चाहिए ताकि उसका बच्चा 1 साल की उम्र में ही सेहतमंद दिखने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 1 साल के बच्चे को क्या क्या खाने में दे सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, फ्रूट्स। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वह धीरे धीरे भोजन को चबाना सीखता है, इसलिए आपको ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो बच्चा आसानी से चबा सके और उसको कोई दिक्कत ना हो। नरम और ताजे फल इस कोरोना के समय में भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ऐसे में ना केवल ये आवश्यक पोषण तत्व देते हैं बल्कि इनसे नेचुरल पोषण तत्व भी मिलता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप सबसे पहले केला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, आड़ू या फिर आम जैसे फलों को धीरे धीरे अपने बच्चे को परोसें। ऐसे में आप उनका जूस भी बनाकर उन्हें दे सकते हैं या फिर छोटे छोटे पीसेस में उन्हें कट कर उनको दे सकते हैं। नंबर 2, दूध और दही। यदि आपका बच्चा 12 महीने से केवल स्तनपान ही कर रहा है तो इस समय उसे गाय का दूध देने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, दूध और दही प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, इसमें कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो उनके बढ़ते हुए दांतों के लिए काफी फायदेमंद होता है। दूध का 1 गिलास बच्चे को कैल्शियम प्रदान करता है जो आपके 1 साल के बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होता है। नंबर 3, दलिया। जब तक बच्चा लगभग 4 साल का नहीं हो जाता तब तक उन्हें कोई भी चीज चबाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो बेहतर है कि तब तक आप उन्हें ऐसा भोजन दीजिए जो अच्छे से मैश हो जाया करे और वह आसानी से वो चबा भी सके। ऐसे में दलिया आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है क्योंकि आपका बच्चा इसे आसानी से निगल सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे को दलिया खिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले दलिया को भिगोकर फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद उसे दूध के साथ मिलाकर अपने बच्चे को खिलाइए। ऐसा करने से आपका बच्चा इसे आसानी से खा भी लेता है और पचा भी लेता है। नंबर 4, अंडे। दोस्तों, अंडा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। दरअसल अंडे में प्रोटीन, फैट और अन्य पोषण तत्व पाए जाते हैं जो कि आंख और दिमाग दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा सेहतमंद साबित हुए हैं। आप अंडे को उबाल लें और उसको छिलकर उसे छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। ध्यान रखें कि इसके इतने छोटे टुकड़े करें कि आपका बच्चा इसे खुद खा सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।